हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पे, जो कि अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत आता है और इसका चल रहा है रीडेवलपमेंट। तो चलिए मैं दिखाता हूं कहां पर क्या बन रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है। तो ये रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है, जो इसका बदलाव है ये जो आप देख रहे हैं, इसके जस्ट उस तरफ काम चल रहा है। और मैं दिखाऊंगा, ये चार प्लेटफॉर्म चार ट्रैक है, एक जिस पे गाड़ी लगी हुई है खाली, जो है दो है, तीन है, चार है। जो एक्सीडेंट हुआ था वो इस साइड हुआ था, आगे में साइड आज भी गाड़ी पड़ी हुई है, लगभग छः महीने से ज़्यादा हो चुका है। और इस साइड जिस साइड मेरा कैमरा है, इस साइड पटना है और इस साइड बक्सर है। और ट्रेन है, देखिए अभी भी वहाँ पर ट्रेन उल्टी भी है, मैं लास्ट में दिखाऊँगा आप लोगों को। चलिए अभी जो डेवलपमेंट की तस्वीर वो दिखाता हूँ। प्रेजेंट में यहाँ पर 11 अप 11 डाउन में ट्रेनें हैं, लेकिन अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत आता है तो ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी फ्यूचर में। प्रेजेंट में यही एक FOB है और प्लेटफॉर्म की हाइट देख सकते हैं आप। तो ये सब काम लगा हुआ है, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये भी लगभग 18-20 करोड़ की लागत से बन रहा है। और जिस साइड में चल रहा हूँ, ये वेटिंग हॉल और टिकट काउंटर है, लेकिन यहाँ पर खाने पीने की वैसी कोई सुविधा नहीं है, आपको गाड़ी पकड़ के मेन जाना पड़ेगा। यहाँ का टिकट काउंटर वेटिंग हॉल है। तो कुछ ट्रेनों का डिटेल है, स्टॉपेज है। और ये बाहर का भी जगह है जो कि डेवलपमेंट हो रहा है वो मैं दिखाता हूँ। तो इस साइड मैं चलूँगा लास्ट में, पहले मैं जो साइड डेवलपमेंट हो रहा है उस साइड चलता हूँ। हाँ देखिए, आप पॉल के लिए सामान आ चुका है, लाइट के लिए। और पुरानी वाली घरें बिल्डिंगें वगैरह तोड़ी गई है, अभी ये वाला लाल वाला नहीं तोड़ा गया, लेकिन इस तरफ जो भी है, यानी मैं प्लेटफॉर्म नंबर एक साइड चल रहा हूँ, तो एक साइड जो भी है वो तोड़ फोड़ अभी किया गया है, पुरानी वाली बिल्डिंगों को हटाया गया है और अभी नए तरीके से निर्माण में हाथ नहीं लगा है, लेकिन तोड़ा गया है ये कहूँगा। और फिर जब घूमूंगा पूरा तो अपने पता चल जाएगा कि क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो जो भी कुछ है वो इस तरफ तोड़फोड़ किया गया है, देखिए आप। लेकिन जो बदलाव की तस्वीर जैसे कुछ होगी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए अब मैं इस साइड चलता हूँ, जो इस साइड मेन काम हो रहा है या होगा। अभी तो जो ट्रेनें उल्टी थी तो आगे में काम बढ़ा था, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जो डेवलपमेंट का वो यही सब एरिया है, देखिए आप, गिट्टी बालू आया हुआ है। तो रेलवे की ज़मीन अभी बाउंड्री वगैरह नहीं मराया है। तो फिर से मैं एक नंबर पे प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो प्लेटफॉर्म की कंडीशन आप देख सकते हैं कि अभी बदलाव होगा धीरे धीरे करके, यहाँ पे काम तो लग चुका है और लेकिन अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ अच्छे से। तो चलिए एक नंबर दिखाता हूँ, ये सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र में आई जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तब लोग जानते कि रघुनाथपुर स्टेशन बिहार में है और कैसा है। तो तब से तो इसकी नींव रखी गई थी। ट्रेनों का डिटेल है, मगध एक्सप्रेस भी अभी यहाँ रुकने लगी है, तो एक ट्रेन और बढ़ गया है। कोई एक्सप्रेस गुजरने वाली है लेकिन उतना स्पीड तो नहीं जा सकता हूँ, यहाँ से गाड़ियाँ बहुत स्पीड में गुजरती है। अभी जो भी कुछ देख रहे हैं सब तोड़ा जाएगा, उस तरफ तोड़फोड़ किया गया है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और जिस पे ट्रेन कभी पलटी थी तो वो बना दिया गया है अच्छे से, लेकिन ट्रेन अभी भी आपको दिख रहा होगा वहाँ पर उल्टा हुआ, तो ट्रेन नहीं ले जाया गया, लास्ट में उसे कबाड़ी के भाव में बेच दिया जाता है। देखिए लाइन से सारे ट्रेन के बोगी जो है कि कोचेज पलटे हुए दिख रहे होंगे। तो इसकी प्लेटफॉर्म की यहाँ पर एंड है और काम जो है वो एक नंबर साइड चल रहा है, मतलब कि जो भी काम है, देखिए आप, मशीन वगैरह आकर के लगी हुई है और काम जो है वो इसी साइड चलेगा। और इस साइड से बाहर जाने के लिए आपको छोटी गाड़ियाँ लेना पड़ेगा, छोटी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी रहती है, यही रेलवे क्रॉसिंग है जिससे आप मेन पटना बक्सर फोर लेन पर जाइएगा। और छोटी मोटी दुकानें हैं खाने पीने के लिए, एक नंबर प्लेटफॉर्म साइड। तो जो भी पुरानी बिल्डिंगें हैं वो सब तोड़ा गया, देखिए आप, अभी तोड़ फोड़ करके इसी तरीके से रखा गया है। तो काम तो नहीं लगा है लेकिन मशीनें आई हुई है काम होने के लिए। ये तो एक नंबर साइड घुमाया, चलिए अब चार नंबर साइड घुमाता हूँ और देखता हूँ उस साइड। मार्केट बाज़ार जो भी है वो फाटक साइड है, फाटक साइड आपको बढ़ना पड़ेगा खाने पीने के लिए। और दुकानें लगी हुई हैं बहुत सारी, देखिए इस तरफ रेलवे फाटक है और ये वो रेलवे फाटक है जहाँ पर आपको सारी खाने पीने की सुविधाएँ हैं। और फिर उसके बाद स्टेशन आ जाता है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसके बंद करने के लिए एक ब्रिज बने, इन फ्यूचर की बात बोल रहा हूँ। और आज भी बोगियाँ इसी तरीके से पड़ी हुई है, देखिए आप। तो इसे तो लास्ट में कबाड़ी में भी बेच दिया जाएगा, सीधे जो है कि बक्सर है और इस तरफ मेन रोड है बक्सर पटना फोर लेन, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे, और इस साइड पटना है। तो यही एक छोटा सा अपडेट रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का। तो काम अभी ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, तो चलिए मैं किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।